हेलो बच्चों, वेलकम टू विनिंग स्टडी पॉइंट ई क्लासेस। आज हम हमारे चैप्टर नंबर 1 की लास्ट क्लास करने जा रहे हैं, जो हमारे आरडी शर्मा की लास्ट क्लास है। ठीक है, इससे पहले हमने रैशनलाइजेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए थे। आज जो हम करने जा रहे हैं वो हमारे चैप्टर एक्सरसाइज नंबर 1.6 से रिलेटेड जो आरडी शर्मा के क्वेश्चन है, जो एक्सपोनेंट वाले क्वेश्चन, आज हम वो करने जा रहे हैं। ठीक है ना, तो आज हम आरडी शर्मा से एक्सपोनेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, जिनमें से पहला क्वेश्चन ये है जिसमें हमें सॉल्व करना है, सॉल्व एंड रिमूव द रेडिकल साइन एंड नेगेटिव इंडाइसेस। इनमें हमें क्या करना है, सॉल्व करना है और इनके रेडिकल साइंस को हटाना है और इनके नेगेटिव जो पावर है उनको सॉल्व करना है, प्लस पावर बनाना है। ठीक है, तो जैसा कि इसका पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट में आप देख सकते हैं फाइव रूट फाइव की पावर माइनस थ्री और रूट टू की पावर माइनस थ्री। सबसे पहली बात तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर a की पावर m होता है और b की भी पावर m होता है, दोनों दो अलग अलग नंबर है बेस जिनके पावर सेम है, तो मैंने बताया था पहले मल्टीप्लाई हो जाती है और पूरे की पावर सेम हो जाती है। ठीक है, तो यहां पे रूट फाइव की पावर भी माइनस थ्री है और रूट टू की पावर भी माइनस थ्री है, तो मैं इसको लिख सकता हूं रूट फाइव की पावर माइनस थ्री इंटू रूट टू की पावर माइनस थ्री इज इक्वल टू रूट फाइव इंटू टू और इस पूरे की पावर माइनस थ्री। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, रूट के अंदर आपको पता है रूट के अंदर के नंबर के रूट के अंदर के नंबर से मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी ये रूट टेन की पावर आ गया माइनस थ्री। फिर मैंने आपको बताया था कोई भी नेगेटिव पावर को आप अपॉन में भेज देते हैं तो पावर प्लस की हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर भी अगर हम इसको इसको अगर मैं अपॉन में भेज दूं तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, और मैंने आपको इसमें ये भी हमें क्या करना है, रेडिकल साइन यानी रूट वाले साइंस को हटाना है, तो रूट का साइन अगर हम हटाएंगे तो उसकी उसका मतलब क्या होगा, ये रूट का मतलब होता है पावर वन अपॉन टू, इस रूट का मतलब क्या होता है पावर वन अपॉन टू, रूट का मतलब अगर पावर वन अपॉन टू होता है तो इस वन अपॉन रूट टेन की पावर थ्री का मतलब है वन अपॉन टेन की पावर वन अपॉन टू और उसकी पावर थ्री, 10 की पावर 1 अपॉन 2 और उसकी पावर 3। और आपको पता है पावर के ऊपर जब पावर होती है तो पावर की मल्टीप्लाई हो जाती है, तो यहां से ये बन जाएगा 1 अपॉन 10 की पावर 3 अपॉन 2। जब आप 3 और 1 अपॉन 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 और 1 अपॉन 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 3 अपॉन 2, तो यहां से आया पावर 3 अपॉन 2। तो इसमें आपने आंसर को पॉजिटिव भी कर दिया और उसका रूट भी हटा दिया, तो यहां पे हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, ऐसे हमें बाकी तीन पार्ट इसके और करने हैं। ठीक है, अब हम करते हैं हमारा सेकंड पार्ट। तो हम सेकंड पार्ट में देख सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन है वन अपॉन थ्री रूट फोर रेज टू पावर माइनस फाइव। इस रूट के यहां पे थ्री लिखा हुआ है, इस थ्री का मतलब है कि इसकी पावर वन अपॉन थ्री है। अभी मैंने बताया कि आपको रूट जब सॉल्व करेंगे तो उसकी पावर सिर्फ रूट लिखा होता है तो पावर वन अपॉन टू होती है, पर यहां पे थ्री रूट लिखा हुआ है तो थ्री रूट का मतलब होता है पावर वन अपॉन थ्री होती है। तो मैं इसको अगर सॉल्व करना चाहूं तो यह बन जाएगा फोर की पावर वन अपॉन थ्री और उसकी पावर माइनस फाइव। ठीक है, तो यहां पर आपको दिख गया आइडेंटिटी, पावर के ऊपर पावर, तो पावर के ऊपर पावर जो होती है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो यहां पे आप कर देंगे वन अपॉन फोर की पावर फाइव माइनस का फाइव अपॉन थ्री, क्योंकि ये माइनस का फाइव था और वन अपॉन थ्री से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का फाइव अपॉन थ्री, और ये वन अपॉन में फोर रिस्ट पावर माइनस फाइव अपॉन थ्री है। तो मैंने आपको बताया है कि कभी भी ऐसा होता है तो आप क्या कर सकते हैं, यहां पे वन अपॉन ए रिस्ट पावर माइनस एम है, तो जब इसको आप ऊपर ले जाएंगे तो ये पावर प्लस की हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो नीचे है इसको आप ऊपर ले जाओ, यानी वन अपॉन फोर रेस टू पावर माइनस फाइव अपॉन थ्री को हम लिख सकते हैं फोर रेस टू पावर फाइव अपॉन।
3, तो ये हमारा आंसर हो गया 4 रेस टू पावर 5 अपॉन 3। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 4 रेस टू पावर 3 अपॉन 3 प्लस 4 रेस टू पावर 2 अपॉन 3, आप अलग अलग भी कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि 5 अपॉन 3 कैसे बनता है, 5 अपॉन 3 बनता है, 5 अपॉन 3 को आप ऐसे 3 प्लस 2 अपॉन 3 लिख सकते हैं, ठीक है, और आप इनको जब सेपरेट कर देंगे तो ये बन जाएगा 4 रेस टू पावर 3 अपॉन 3 इंटू 4 रेस टू पावर 2 अपॉन 3, आपका कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक, और इसको आप लिखेंगे 4 रेस टू पावर 3 अपॉन 3 का मतलब तो 1 ही होता है, इंटू में 4 रेस टू पावर 2 अपॉन 3, तो आप इस आंसर को ये भी लिख सकते हैं और आप इस आंसर को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये दोनों ही आपके इस क्वेश्चन के आंसर हैं, तो आप एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए। अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट में हमें दे रखा है 25 रेस टू पावर माइनस 1 अपॉन 3 इंटू में क्यूब रूट 16, ठीक है, क्यूब रूट 16 का मतलब भी क्या हुआ, क्यूब रूट 16 का मतलब भी यही है 16 की पावर 1 अपॉन 3, इसका मतलब भी यही है, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि यहां 25 की पावर माइनस 1 अपॉन 3 है, ठीक है, 25 की पावर माइनस 1 अपॉन 3 है, यानी कि नेगेटिव पावर है, तो अगर मैं इसको अपॉन में भेज दूं तो इसकी पावर कैसे हो जाएगी, पॉजिटिव, तो ये बन जाएगा 16 की पावर 1 बटे 3 बटे में 25 की पावर 1 बटे 3, कुछ ऐसा ही बन जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हमें एक और आइडेंटिटी पता है जो कि है a की पावर m डिवाइड में b की पावर m, तो वो पूरा a बटे b की पावर m बन जाता है, तो ये बन जाएगा 16 अपॉन 25 की पावर 1 अपॉन 3, ठीक है। हम चाहें तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, मैं इसको लिख सकता हूं 4 की पावर 2 और इसको लिख सकता हूं 5 की पावर 2 और उसकी पावर 1 अपॉन 3, तो मैं इसको 4 बटे 5 की पावर 2 अपॉन 3 भी लिख सकता हूं, क्योंकि अब ये पावर जो है 2 दोनों की पावर आ जाएगी, ठीक है, 4 बटे 5 की पावर 2 और उस पूरे की पावर 1 अपॉन 3, तो यहां भी फिर से a की पावर m और उसकी पावर n होता है, तो a की पावर m इंटू में n हो जाता है, तो यहां भी क्या हो जाएगा 4 की पावर 4 अपॉन 5 की पावर 2 इंटू में 1 अपॉन 3, तो ये बन जाएगा 4 अपॉन 5 की पावर 2 अपॉन 3, तो ये भी आपका आंसर है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन का थर्ड पार्ट हो गया, अब हमें करना है इसका लास्ट पार्ट, तो इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम करते हैं इसका लास्ट पार्ट। तो लास्ट पार्ट में हमें दे रखा है अंडर रूट 4 रेस टू पावर माइनस 7 इंटू 2 रेस टू पावर अंडर रूट 2 रेस टू पावर माइनस 5, ठीक है, तो मैं इस 4 को लिख सकता हूं 4 रेस टू पावर 1 अपॉन 2 4 रेस टू पावर 1 अपॉन 2 और उसकी पावर माइनस 7 और इंटू में 2 रेस टू पावर 1 अपॉन 2 और उसकी पावर माइनस 5, तो आपको पता है a की पावर m और उसकी पावर n, पावर रेस टू पावर, तो पावर की मल्टीप्लाई, तो आप यहां पे करेंगे ये बन जाएगा 4 की पावर माइनस 7 अपॉन 2 इंटू में ये बन जाएगा 2 की पावर माइनस 5 अपॉन 2। अच्छा, अब आपको ये भी बात पता है कि जो 4 होता है ये खुद 2 की पावर 2 होता है, तो मैं इसको एक बार और ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 इंटू उसकी पावर 7 अपॉन 2 और 2 की पावर माइनस 5 अपॉन 2। अभी आपने आइडेंटिटी देखी थी पावर के ऊपर पावर, तो पावर की मल्टीप्लाई हो जाती है, तो यहाँ भी आप पावर की मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 2 की पावर, इस 2 से ये नीचे वाला 2 कट जाएगा और बचेगा इसकी पावर माइनस 7 इंटू में 2 रेस टू पावर माइनस 5 अपॉन 2, ठीक है। अब आपको पता है कि a की पावर m इंटू a की पावर n, तो a की पावर m प्लस n हो जाता है, यानी आइडेंटिटी क्या है, जब पावर
बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है मल्टीप्लाई में। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 की पावर -7 इंटू 2 की पावर -5 अपॉन 2 के में क्या करेंगे, इनकी पावर्स को ऐड कर देंगे, -7 और प्लस में माइनस का 5 अपॉन 2। तो ये बन जाएगा 2 रेज टू पावर -7 माइनस का 5 अपॉन 2, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। अब आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 2 रेज टू पावर -7 -5 अपॉन 2, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। अब पावर की क्रॉस मल्टीप्लाई, जब पावर की आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 14, 1 को 5 से करेंगे माइनस का 5 और नीचे 2 1 जा 2, यह बन जाएगा 2 की पावर -14 और -5, दोनों माइनस के हैं, दोनों माइनस के हैं इसलिए बन जाएगा माइनस का 19, ऐड हो जाएंगे माइनस का 19 अपॉन 2। अब पावर माइनस का है, हमें इसको प्लस में चेंज करना है, तो भाई ए की पावर माइनस का एम जो होता है वो अपॉन में जाके प्लस का हो जाता है, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन 2 रेज टू पावर 19 अपॉन 2। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो आप इसको नोट करें। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमारे एग्जाम में कई बार देखने को मिलते हैं, कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस, तो अब हम इनको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। इसमें हमें इनको सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि 25 की पावर 3 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 243 रेज टू पावर 3 अपॉन 5 डिवाइडेड बाय 16 रेज टू पावर 5 अपॉन 4 इनटू 8 रेज टू पावर 4 अपॉन 3। हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है, जहां तक ये सॉल्व हो सकता है हमें इसको सॉल्व करना है। तो आप खुद ही सोचिए कि 25 को मैं लिख सकता हूं 5 की पावर 2, ठीक है, और उसकी पावर 3 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय ये 243 जो होता है ये 3 की पावर 5 होता है, ठीक है। चाहे तो आप करके देख सकते हैं, 3 × 3 × 3 × 3 × 3, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, 27 × 81 और 81 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 1 = 3 और 3 × 8 = 24, तो आप देख सकते हैं 243 आता है, तो ये 3 की पावर 5 होता है, ठीक है, और उसकी पावर कितनी है 3 अपॉन 5। 16 जो होता है, अच्छा देखो 16 का बड़ा अच्छा लॉजिक है कि 16 जो होता है ना, आप नॉर्मली याद रखते हैं कि 16 जो होता है वो 4 की पावर 2 होता है, ठीक है, 4 × 4 = 16, पर जो 16 होता है ना ये 2 की पावर 4 भी होता है, ये 4 की पावर 2 भी होता है और ये 2 की पावर 4 भी होता है। आप 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करें तो आप खुद देखेंगे कि 16 आ जाएगा, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4 और 4 को 4 से करेंगे तो कितना आएगा 16। चाहे आप 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करें, चाहे आप 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करें, दोनों में कितने क्या आता है 16। तो अब हमें इसको किस में तोड़ना है, 4 के उसमें तोड़ना है या 2 के उसमें, वो इसके पावर पे डिपेंड करेगा। देखो पावर में अपॉन में क्या है 4, तो इसलिए मैं इसकी पावर 4 बनाने की कोशिश करूंगा, तो इसलिए मैं 16 को लिख देता हूँ 2 की पावर 4 और उसकी पावर कितनी आ गई 5 अपॉन 4 और 8 जो होता है वो 2 की पावर 3 होता है, 2 × 2 = 4 × 8, 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आ जाएगा और उसकी पावर 4 अपॉन 3। तो मेनली इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है कि इस क्वेश्चन में सारे फ्रैक्शन को सॉल्व कर देना है, जितने भी पावर फ्रैक्शन में है ना उनको सॉल्व कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन नहीं हो जाएगा। अब आइडेंटिटी यहाँ पे लग रही है और आइडेंटिटी आपको पता है ए की पावर एम और उसकी पावर एन, जब पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे करने वाले हैं कि जैसे 5 की पावर 2 और मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 5 और उसकी पावर 3 अपॉन 5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4 और उसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 5 अपॉन 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 3 और उसकी मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 अपॉन 3 से, 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, 2 से 2 कट गया, 5 से 5 कट गया, तो हमारा आंसर क्या आएगा, ये बचा हमारा 5 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 4, ठीक है।
तो आप इनको क्या कर देना, ये तो 5 की पावर 3 और 3 की पावर 3 ये बन जाएंगे 5 3 जा 15 की पावर 3, क्योंकि आपको पता है a की पावर m इंटू बी की पावर m, तो बन जाता है a इंटू बी की पावर m। जब दो अलग अलग नंबर के ऊपर सेम पावर है तो पहले मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर सेम हो जाएगी, ठीक है। और डिवाइड में आ जाएगा, आपको पता है कि 2 की पावर 5 और 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई में, तो इनकी पावर ऐड हो जाएगी। तो ये भी आपको आइडेंटिटी पता है, a की पावर m इंटू a की पावर n, तो बन जाएगा a की पावर m प्लस में n, ठीक है। तो बन गया 15 की पावर 3 अपॉन में 2 की पावर 9। अगर आपको इसको भी 3 बनाना है तो 2 की पावर 3 की पावर 3 कर दो, 15 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 3 और उसकी पावर 3, 3 3 जा 9 होता है ना, तो हमने इसको ऐसे ब्रेक कर दिया। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 15 की पावर 3 अपॉन में 8 की पावर 3। और जब दो अलग अलग नंबर के ऊपर पावर सेम है और डिवाइड हो रहे हैं तो मैं इसको एक साथ लिख सकता हूँ 15 अपॉन 8 की पावर 3, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। अगर एक्सपोनेंशियल टर्म में इसका आंसर निकालना है तो ये इसका आंसर हो गया। और अगर सॉल्व करना है पूरा तो आपको क्या करना पड़ेगा, 15 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है और नीचे 8 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। इसको आप सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत। तो बस इसमें लास्ट यही करना है कि आपको 15 की पावर 3 को सॉल्व कर देना, 8 की पावर 3 मल्टीप्लाई कर देना तीन तीन बार, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। अब हम करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। अब हमारे लास्ट क्वेश्चन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं एक बार इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, 16 इंटू में 2 रेज टू पावर n प्लस 1 माइनस 4 इंटू 2 रेज टू पावर n डिवाइडेड बाय 16 इंटू 2 रेज टू पावर n प्लस 2 माइनस 2 इंटू n की पावर 2 रेज टू पावर n प्लस 2। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसमें थोड़ा आपको दिमाग लगा के समझना पड़ेगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ एक बार ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। इसमें बिल्कुल भी आप अपना माइंड डाइवर्ट मत करना, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। हल्की से आप ध्यान भटकाएंगे और आपका क्वेश्चन पूरा मिस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बड़े ध्यान से बड़े आराम से समझना है कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, इसमें आपको ना इन नंबर्स को बेसिक पावर फॉर्म में चेंज कर लेना है, मतलब आप जितना छोटे से छोटे बेस बना सकते हैं उसका वो कर दीजिए। जैसे 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 16 को मैं इसके बराबर ले आऊँगा, 2 के फॉर्म में ले आऊँगा, तो 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 इंटू n 2 की पावर n डिवाइडेड बाय 16 को फिर से लिख सकते हैं हम 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर n प्लस 2 माइनस 2 इंटू 2 की पावर n प्लस, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब हमें क्या करना है इसमें, अब आपको पता है आइडेंटिटी कि a की पावर m मल्टीप्लाइड बाय a की पावर n तो होता है a की पावर m प्लस n। यहां पे आप देख सकते हैं 2 की पावर 4 है और 2 की पावर n प्लस 1 है, यहां 2 की पावर 2 है 2 की पावर n है, 2 की पावर 4 है 2 की पावर n प्लस 2 है और इनके बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये दोनों की पावर्स जो हैं आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड। तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 4 प्लस में n प्लस में 1 माइनस 2 की पावर 2 प्लस में n या n प्लस में 2 और नीचे n की पावर, सॉरी 2 की पावर n प्लस में 2 प्लस में 4, इसको मैंने पीछे लिख दिया, माइनस में 2 की पावर 1 और n प्लस में 2, n प्लस में 2 और प्लस में 1। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 2 की पावर देखेंगे n तो ऐसे लिख देंगे और 4 और 1 तो n की पावर बन जाएगी 5, ये n प्लस 5 सॉरी। तो अब है अगला 2 की पावर n प्लस 2, नीचे है 2 की पावर n प्लस 2 और 4 6, 2 की पावर n प्लस 6 माइनस
2 की पावर n प्लस 2 और 1 3, 2 की पावर n प्लस 3, ठीक है। तो हमारे कुछ इस फॉर्म में आ गया। अब क्योंकि आज तक आपने ऐसी पावर सॉल्व नहीं करी होगी कि n प्लस 5, n प्लस 2, ये सब सॉल्व आपने नहीं किया, ठीक है। तो यहीं पे मैंने इसलिए मैं कह रहा था कि क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, तो अब आप इसको ध्यान से समझना कि मैं क्या बोल रहा हूं, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे। अब क्या है ना कि 2 की पावर n प्लस 5 है, माइनस में 2 की पावर n प्लस 2 है, इसमें से हम कॉमन लेंगे, ठीक है। अब हम दोनों में से पावर कॉमन लेंगे, तो इसमें से कॉमन आएगा 2 की पावर n प्लस 3, सॉरी n प्लस 2, 2 की पावर n प्लस 2 कॉमन आ जाएगा। अब आप बोलोगे कि n प्लस 2 कैसे कॉमन आ रहा है, यहाँ तो 5 है, हमने तो कभी ऐसे कॉमन नहीं लिया कि मतलब 2, यहाँ ये तो 2 के टेबल में भी नहीं आता, कॉमन कैसे आ रहा है। अरे एक्चुअल में ये पावर की बात है, ये कोई नॉर्मल नंबर नहीं है, ये नॉर्मल ऐसा नहीं है n प्लस 5 और n प्लस 2 आप इसमें से कॉमन ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप इसमें से कॉमन नहीं ले रहे हैं, ठीक है। ये पावर्स हैं और पावर्स को आप कॉमन ले रहे हैं। जब आप पावर कॉमन लेते हैं ना, तो एक्चुअल में पावर क्या, ये प्लस कब होता है, पावर ऐड कब होती है, जब वो मल्टीप्लाई की फॉर्म में होती है। पावर ऐड कब होती है, जब वो मल्टीप्लाई की फॉर्म में होती है, यानी एक्चुअल में ये मल्टीप्लाई फॉर्म में है जिनको आपको कॉमन लेना है। तो मैं क्या 2 की पावर n प्लस 5 जैसे लिखा हुआ है, 2 की पावर n प्लस 5, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 2 की पावर n प्लस 3, सॉरी n प्लस 2 प्लस 3 लिख सकता हूं ना। आप समझो यहां पे ढंग से कि 2 की पावर n प्लस 5 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर n प्लस 2 प्लस 3, 5 को मैंने दो पार्ट में तोड़ दिया, ठीक है। अब जैसे ये था a की पावर m और प्लस में a की पावर n, तो मैं इस वैल्यू को m मान लेता हूं और इस वैल्यू को n मान लेता हूं, ठीक है। इस वैल्यू को मैंने क्या मान लिया, m, और इसको n। तो जब a की पावर m मल्टीप्लाई बाय a की पावर n क्या बन जाता है, a की पावर m प्लस n, तो इसका उल्टा भी तो हो सकता है कि a की पावर m प्लस n को मैं लिख सकता हूं a की पावर m मल्टीप्लाई में a की पावर n, लिख सकते हैं ना। अरे जब मल्टीप्लाई से हम प्लस फॉर्म में कर सकते हैं, तो प्लस से हम इसको वापस इस फॉर्म में भी ला सकते हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 की पावर n प्लस 2 इंटू 2 की पावर 3, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो मैं अगर इसको ऊपर वाले को सॉल्व करता हूं, जैसे मैंने आपको ये समझाया, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 की पावर n प्लस 2 इंटू 2 की पावर 3 माइनस में 2 की पावर n प्लस 2, और नीचे हमें 2 की पावर n प्लस 3 लिखना है, और इंटू में 2 की पावर 3 बन जाएगा, क्योंकि n प्लस 6 कैसे आया है, 2 की पावर n प्लस 6 का मतलब है 2 की पावर n प्लस 3 प्लस 3, और 2 की पावर n प्लस 3 प्लस 3 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर n प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 3, अभी जैसे हमने ऊपर वाला किया बिल्कुल उसी तरीके से, ठीक है, और माइनस में 2 की पावर n प्लस 3। अब आप कॉमन लो, पहले मैं डायरेक्ट कॉमन ले रहा था, पर मैंने आपको अब ये थोड़ा और सॉल्व कर दिया। अब आपका कॉमन लेना आसान है कि बीच में माइनस है, इधर भी 2 की पावर n प्लस 2 आ रहा है, इधर भी 2 की पावर n प्लस 2 आ रहा है, तो 2 की पावर n प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ ब्रैकेट में बचेगा 2 की पावर 3, यहाँ से आपने पूरा ले लिया, इसको पूरा इसको कॉमन ले लिया, तो ये माइनस का क्या बचेगा, 1। जब पूरा कॉमन ले लेते हैं तो 1 बचता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1। और वैसे ही नीचे की तरफ 2 की पावर n प्लस 3 और 2 की पावर n प्लस 3, 2 की पावर n प्लस 3 कॉमन ले लेंगे, इधर से बचेगा 2 की पावर 3 और इधर से भी बचेगा माइनस का 1, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम है, और चाहो तो आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 की पावर 3 का मतलब आएगा 8, और 8 में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा 7, यहाँ भी वही आएगा 7। तो आप चाहें तो डायरेक्ट भी इसको काट सकते हैं या सॉल्व करने के बाद काट सकते हैं, पर आप अभी काट दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपका एक स्टेप बच जाएगा। अब आपके पास बचा 2 की पावर n प्लस 2 अपॉन में 2 की पावर n प्लस 3। अब आप देख सकते हैं ये डिवाइड फॉर्म में, ठीक है, किस फॉर्म में है ये, डिवाइड फॉर्म में। पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं कराता हूं इसके आगे, क्योंकि स्पेस नहीं बचा है, ठीक है, तो इतना आप पहले नोट कीजिए, फिर मैं कराता हूं इसके आगे। हाँ जी, तो अब आप देख सकते हैं कि ऊपर क्या बचा 2 की पावर n प्लस 2, और नीचे क्या बचा 2 की पावर
एन प्लस थ्री, तो यहां पे हमें भी साफ साफ आइडेंटिटी दिख रही है कि a की पावर m डिवाइड में a की पावर n, तो आपको पता है a की पावर m माइनस n हो जाता है, यानी पावर माइनस हो जाती है। तो यहां भी आपको यही करना है कि 2 की पावर n प्लस 2 अपॉन में 2 की पावर n प्लस 3, तो आपको पावर माइनस कर देना है, n प्लस 2 माइनस n प्लस 3, ठीक है। तो जब आप ऐसा करेंगे तो बनेगा 2 की पावर n प्लस 2, अब ये माइनस अंदर के दोनों को माइनस कर देगा, माइनस का n माइनस का 3, तो प्लस के एन से माइनस का एन तो कट गया, और जब 2 की पावर 2 माइनस 3 करोगे तो 2 की पावर माइनस 1 आ जाएगा, और 2 की पावर माइनस 1 का मतलब होता है 1 अपॉन 2, क्योंकि a की पावर माइनस m इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन a की पावर m, तो इसलिए ये आपका आंसर आ गया 1 अपॉन 2। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें शो करना है कि x की पावर a प्लस बी रेस टू पावर 2 इंटू इंटू एक्स रेस टू पावर b प्लस सी रेस टू पावर 2 इंटू एक्स रेस टू पावर c प्लस a रेस टू पावर 2 ऑल डिवाइडेड बाय x रेस टू पावर a x रेस टू पावर b इंटू x रेस टू पावर c और होल रेस टू पावर 4। हमें शो करना है कि ये 1 के बराबर है। अब हमें शो दैट वाले क्वेश्चन करना है, यानी कि हमें इस पूरे को इसके बराबर प्रूव करके दिखाना है। और ये जो मैंने क्वेश्चन लिखा है ये आपके आरडी शर्मा का पेज नंबर 2.10 पे एग्जांपल नंबर 5 है। हो सकता है कि आपका एडिशन आगे पीछे हो तो थोड़ा इसमें क्वेश्चन आगे पीछे देखने को मिले, पर आपको मिल जाएगा ये, ठीक है, आपके बुक में। और इसके दो पार्ट है जिसमें से ये सेकेंड पार्ट है, मैं सेकेंड पार्ट करा रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट आप लोग खुद कर लेना, ठीक है। आप लोगों को भी प्रैक्टिस के लिए कोई कुछ ना कुछ क्वेश्चन करने चाहिए खुद से, तो आप लोग ये खुद करेंगे इसका फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट है, मैं ये आपको करा रहा हूँ, ठीक है। तो वो भी बिल्कुल ऐसे ही होना है, फिलहाल इसको समझेंगे आप ये कैसे होगा, देखने में हमें बड़ा ये टिपिकल सा लग रहा है, अजीब सा, ठीक है, पर हम इसको कोशिश करेंगे कि कैसे कर सकते हैं। तो हमने एक आइडेंटिटी सीखी है कि a की पावर m और रेस टू पावर n, तो क्या हो जाता है a की पावर m इंटू में n, तो यहां पे पावर की क्या हो जाती है मल्टीप्लाई। तो आपको क्या करना है कि x की पावर जो a प्लस बी है और उसके ऊपर 2 है, तो इस 2 की मल्टीप्लाई कर देनी है a प्लस बी से, मल्टीप्लाइड बाय x की पावर फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर देनी है b प्लस सी को, मल्टीप्लाइड बाय x की पावर फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर देना है c प्लस a को, और नीचे आ जाएगा x की पावर, देखो यहां पे भी वही है, x की पावर a और 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4a, फिर x की पावर 4b, फिर x की पावर 4c इज इक्वल टू, फिलहाल आपने ये क्या ले रखा है, ये आप LHS है आपका, ठीक है, ये क्या है आपका LHS, टेकिंग LHS लिख लेना यहां लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो अब आप इसकी पावर की क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा x की पावर 2a प्लस 2b, फिर ये बन जाएगा x की पावर 2b प्लस 2c, फिर ये बन जाएगा x की पावर मल्टीप्लाइड बाय x की पावर 2c प्लस 2a, और ये पूरा डिवाइड होगा x की पावर 4a इंटू में x की पावर 4b इंटू में x की पावर 4c से, ठीक है। अब यहां पे फिर से आपको दिख रहा है कि ये सब x की पावर चल रही है, ये भी x की पावर है, x की पावर, x की पावर, नीचे भी x की पावर, x की पावर, x की पावर, तो आपको पता है x की पावर या a की पावर m इंटू a की पावर n, तो पावर क्या हो जाती है, एड हो जाती है, पावर m प्लस n। तो यहां पे आप देख सकते हैं सबके बेस सेम है, सबका बेस x है, तो यहां भी पावर एड हो जाएंगे, तो यहां पे आप कर देंगे x की पावर 2a प्लस 2b प्लस 2b प्लस 2c प्लस 2c प्लस 2a, और नीचे यहां भी नीचे देखेंगे, यहां नीचे भी सबके x की पावर है, x की पावर 4a 4b 4c, तो x की पावर आप जोड़ेंगे 4a प्लस 4b प्लस 4c, ठीक है। तो आप देख सकते हैं x की पावर 2a और 2a 4a 2b 2b 4b 2c 2c 4c, और नीचे भी x की पावर 4a प्लस 4b प्लस 4c, तो आप देख सकते हैं जो चीज ऊपर है वही चीज नीचे है, तो ये पूरा आपस में कट जाएंगे
और कटने के बाद आंसर कितना आएगा, 1, जो कि हमारा RHS था, और यही चीज हमें प्रूव करनी थी कि ये पूरा का पूरा किसके बराबर है, 1 के बराबर। तो हमारा ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। देखने में आप देख सकते हो कितना हमें अजीब सा लग रहा है कि कितने सारे पावर्स हैं, पर अगर हम उसको सॉल्व करें तो बड़ी आसानी से ये सॉल्व हो जाते हैं। तो बस उसके लिए हमें क्या जरूरत है, हमें बेसिक आइडेंटिटीज जो है इनकी वो पता होनी चाहिए, और हमें बेसिक मल्टीप्लाई डिवाइड सम एंड सब्ट्रैक्शन आने चाहिए, तो हम सारे क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो आप इस वाले क्वेश्चन को नोट कीजिए, उसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं। तो आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके आरडी शर्मा का एग्जाम्पल नंबर 10 है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आया हुआ है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्या है कि a रेज टू पावर -1 अपॉन में a रेज टू पावर -1 प्लस b रेज टू पावर -1 प्लस a रेज टू पावर -1 अपॉन a रेज टू पावर -1 माइनस b रेज टू पावर -1 इज इक्वल टू 2b स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इस क्वेश्चन में आपको ये प्रूव करना है कि ये जो पूरा है वो इस पूरे के बराबर है, यानी ये LHS जो है और RHS जो है ये दोनों इक्वल हैं। तो ये आपको प्रूव करना है। तो आप कैसे करेंगे, आप LHS ले लेंगे। तो टेक LHS, आपने ले लिया a रेज टू पावर -1 अपॉन a रेज टू पावर -1 प्लस b रेज टू पावर -1 प्लस a रेज टू पावर -1 अपॉन a रेज टू पावर -1 माइनस b रेज टू पावर -1। अब आपने एक आइडेंटिटी सीखी है कि कभी भी पावर माइनस की होती है तो वो प्लस में अपॉन में जाके प्लस की हो जाती है, ठीक है, या a रेज टू पावर -1 इक्वल टू होता है 1 अपॉन a। तो इसका मतलब यहां पे ये है कि a रेज टू पावर -1 का मतलब है यहां पे 1 अपॉन a, और इसका मतलब है 1 अपॉन a, और इसका मतलब है 1 अपॉन b, और यहां बीच में प्लस, और यहां भी 1 अपॉन a, अब यहां पे भी 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन b, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इनको। अब सबसे पहले ना आप नीचे वालों को सॉल्व करेंगे, जो नीचे वाली मतलब यहां पे बन रहा है प्लस माइनस, इसको सॉल्व करेंगे। ऊपर तो 1 अपॉन a है, नीचे आप देख सकते हैं 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b, तो ये फ्रैक्शन बन रहा है। तो आपको मैंने बता रखा है फ्रैक्शन का सम कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, नीचे की मल्टीप्लाई आपस में करेंगे। तो b की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो b आएगा, a की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो a आएगा, और नीचे a भी आएगा। और जैसा आपने यहां किया है सेम टू सेम आपको यहां करना है, बस प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस। बीच में तो प्लस है 1 अपॉन a, फिर यहां पे भी देखेंगे, यहां पे भी सेम वैल्यूज हैं, बस बीच में प्लस की जगह क्या है, माइनस। तो यहां भी यही आएगा, बस बीच में प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस। अब आपको पता होना चाहिए जब भी ऐसा चार वाला फ्रैक्शन बन जाता है, चार वाला फ्रैक्शन, ठीक है ना, अपॉन फिर उसके अपॉन फिर उसके अपॉन, तो सबसे नीचे वाला जो होता है वो सबसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाता है, और बीच वाला जो है वो बीच में चला जाता है। ये यहां जाता है और ये यहां जाता है, इसको भी अगर देखा जाए तो ये सबसे ऊपर जाएगा और ये यहाँ पे, ठीक है, इनसे मल्टीप्लाई हो जाता है। ये बातें आपको पता होनी चाहिए, तो छोटी क्लासेस में सिखाई जाती हैं, ठीक है। तो 1 अपॉन a, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, ऊपर आ जाएगा ए बी और नीचे आ जाएगा b प्लस a, ठीक है, और बीच में आएगा प्लस, फिर से 1 अपॉन a, ऊपर आ जाएगा ए बी, अपॉन में आ जाएगा b माइनस a, ठीक है। तो आप देख सकते हैं a ऊपर भी है a नीचे भी है, तो a से a कट जाएगा, इधर भी a ऊपर भी है a नीचे भी है, a से a कट जाएगा, ये बन गया b अपॉन में b प्लस a प्लस में b अपॉन में b माइनस a, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब आप फिर इनके बीच में प्लस आ रहा है तो इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो b इंटू में b माइनस a प्लस में b इंटू में b प्लस a अपॉन में, आप देख सकते हैं b प्लस a b माइनस a, तो ये आइडेंटिटी वो वाली हो रही है a प्लस b a माइनस b वाली, ठीक है। हाँ, यहाँ पे उल्टा हो रहा है, पर मतलब वेरिएबल उल्टे हैं, पर उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आइडेंटिटी तो वही लगेगी। तो ये बन जाएगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी आपने बहुत बार लगाई है, तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब ऊपर आपको सॉल्व करना है, देखो b को b से मल्टीप्लाई करोगे तो b स्क्वायर आएगा, b को माइनस a से मल्टीप्लाई करोगे माइनस का a भी आएगा, फिर b को b से मल्टीप्लाई करोगे b स्क्वायर आएगा, और b को a से मल्टीप्लाई करोगे a भी आएगा, अपॉन में b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं माइनस का a भी और प्लस का a भी कट जाएगा, और ये बन जाएगा 2b स्क्वायर
ऊपर देखो बी स्क्वायर और बी स्क्वायर, टू बी स्क्वायर, और नीचे आ गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और शायद यही हमें प्रूव करना था। तो ये है इज इक्वल टू आर एच एस। अब देख सकते हैं आर एच एस में यही लिखा हुआ है, टू बी स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो हमारा ये आसानी से प्रूव हो गया। देखने में कितना अजीब लग रहा था क्वेश्चन, सबकी पावर माइनस वन, पर हमने जब किया तो कितना आसान निकला ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो आरडी में भी ऐसा नहीं है कि टफ क्वेश्चन है, बस उनको करने का तरीका थोड़ा सा आपको बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो अब हम अपने आरडी शर्मा से हम लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, यानी हमारे ये चैप्टर नंबर वन का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो कि आपके आरडी शर्मा में एग्जाम्पल नंबर 9 है। ठीक है, तो मैं ये कराने जा रहा हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, एग्जाम्पल नंबर 9, इसमें क्या है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एन 9 रेज टू पावर n इंटू 3 रेज टू पावर 2 इंटू 3 रेज टू पावर -n अपॉन 2 उसकी पावर -2 -27 रेज टू पावर n 3 की पावर अपॉन में 3 की पावर 3m इंटू में 2 की पावर m, सॉरी 2 की पावर 3 है, इज इक्वल टू 1 अपॉन में 27। ठीक है, तो ये आपको एक इक्वेशन दे रखी है और हमें इसमें प्रूव करना है कि दैट इज प्रूव दैट m माइनस n इज इक्वल टू 1। आपको इसमें प्रूव करके दिखाना है कि m माइनस n इज इक्वल टू कितना है, 1। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही थोड़ा समझ के करना पड़ेगा, थोड़ा टफ क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा आपको इसमें दिमाग लगा लेंगे तो बहुत आसान है, वरना अगर वैसे करेंगे तो उलझ सकते हैं आप। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। तो इस क्वेश्चन में करना क्या है, सबसे पहली बात तो ना, इसमें आप देख सकते हैं जो भी है 3 की पावर से रिलेटेड है, जैसे 9 भी 3 की कुछ पावर होती है, 27 भी 3 की कुछ पावर होती है, तो सबको ना 3 की पावर में चेंज कर लो। सबसे पहली बात आप क्या करो, बेसिक फॉर्म में चेंज कर लो 3 की पावर में। जैसे 9 जो होता है 3 की पावर 2 होता है, तो आप इसको लिख लेंगे 3 की पावर 2 और उसकी पावर n इंटू में 3 की पावर 2 इंटू में 3 की पावर -n अपॉन 2 और उसकी पावर -2, और माइनस में 27 को भी लिख लेना 3 की पावर 3 और उसकी पावर n। 27 जो होता है 3 की पावर 3 होता है। नीचे आप देखेंगे 3 की पावर 3m इंटू 2 की पावर 3 इजिकल टू 1 अपॉन 27। ठीक है, 1 अपॉन 27 को भी आप लिख लो 3 की पावर 3। अब आपने एक आइडेंटिटी सुनी है, बार बार हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं कि a की पावर m और उसकी पावर n होती है, तो a की पावर m इंटू n हो जाती है। तो यहां पे आपको देखने को मिल रहा है कि 3 की पावर 2 और n मल्टीप्लाई होंगे तो 2n बन जाएगा, फिर 3 की पावर 2 है, और जब ये 3 की पावर, देखो 3 की पावर माइनस का n अपॉन 2 मल्टीप्लाई होगा माइनस के 2 से, तो ये माइनस माइनस तो प्लस बन जाएगा और 2 से ये 2 कट जाएगा। ठीक है, और माइनस का 3 की पावर 3n अपॉन में आ रहा है 3 की पावर 3m मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 को सॉल्व कर लेना और बन जाएगा ये 8 इजिकल टू 3 की पावर 3। 1 अपॉन में 3 की पावर 3 को ऊपर ले जाना तो ये बन जाएगा 1 3 की पावर -3। इसको 1 के ऊपर ले जाएंगे तो पावर माइनस की हो जाएगी। ठीक है, अब आप देखेंगे, अब एक आइडेंटिटी हमने और सुनी है कि a की पावर m इंटू बी की सॉरी a की पावर n इजिकल टू a की पावर m प्लस n। तो पता है आप लोगों को, ये जब बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो आपको यहां पे भी वही करना है। आप यहां देख सकते हैं ये 3 चीजें, इनका सब तीनों का बेस सेम है, 3 की पावर 2n, 3 की पावर 2, 3 की पावर मल्टीप्लाई होके n बन जाएगा ये। ठीक है ना, तो आप इनकी पावर्स को ऐड कर दो, 3 की पावर 2n प्लस 2 प्लस n, ठीक है, माइनस में 3 की पावर 3n अपॉन में 3 की पावर 3m इंटू में 8 इजिकल टू 3 की पावर -3। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करें। अब देखो 3 की पावर 2n और n, कितने n हो गए, 3n प्लस 2 माइनस 3 की पावर 3n अपॉन में 3 की पावर 3m इंटू 8 इजिकल टू 3 की पावर -3। अब मैंने कल आपको एक सॉरी अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही समझाया था
थोड़ी देर पहले आपको मैंने एक चीज समझाई थी कि जब इस तरीके से होता है तो हम कॉमन कैसे ले सकते हैं, कि 3 की पावर 3n, मैं ये समझा देता हूं आपको, यहां पे समझा रहा हूं मैं कि भाई 3 की पावर 3n + 2 का मतलब क्या है। इसका मतलब है 3 की पावर 3n मल्टीप्लाई में 3 की पावर 2। मैंने बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले कि इसका मतलब ये होता है कि 3 की पावर 3n * 3 की पावर 2। अरे प्लस कब होते हैं, अभी बताया था कि ये प्लस कब होते हैं, जब मल्टीप्लाई में सेम पावर होती है। मैंने बताया था ना कि अगर आइडेंटिटी ऐसा है a की पावर m * a की पावर n = a की पावर m + n, तो उल्टा भी तो कर सकते हैं कि पावर प्लस हो रही है तो उसको हम इस फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं। तो 3 की पावर 3n + 2 का मतलब है 3 की पावर 3n * 3 की पावर 2। हमने इसको इस फॉर्म से इस फॉर्म में चेंज कर दिया, ये बात समझ में आ रही है। तो ये रिवर्स भी हो सकते हैं, तो जब रिवर्स हो सकते हैं, ये समझाया था मैंने, मिटा रहा हूं। तो मैं इसको इसी तरीके से लिख देता हूं, मैं इसको लिख देता हूं 3 की पावर 3n * 3 की पावर 2 माइनस में 3 की पावर 3n / 3 की पावर 3m * 8 बराबर है -3 की पावर -3। ठीक है, यहां तक एक बार आप ध्यान से समझ लो, एक बार नोट कर लो, ठीक है। उसके बाद मैं कराता हूं क्योंकि स्पेस नहीं बचा, मेरे को यहां से रब करना पड़ेगा। तो आप इसको वीडियो को पॉज करके यहां तक आप नोट कर लो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, तो अब देखेंगे आप, अब आप देख सकते हैं कि 3 की पावर 3n * 3 की पावर 2 माइनस में 3 की पावर 3n। अब इस पूरे टर्म में और इस टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है 3 की पावर 3n, क्योंकि 3 की पावर 3n इसमें भी है, 3 की पावर 3n इसमें भी है। तो हम 3 की पावर 3n को बाहर लिख लेते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, इधर से बच गया 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, और उधर से जब आपने पूरा कॉमन ले लिया है तो उधर बचा 1, माइनस में 1 अपॉन में 3 की पावर 3m * 8 = 3 की पावर -3। अब आपको पता है 3 की पावर 3n, 3 की पावर 2 कितना होता है, 9, -1 अपॉन 3 की पावर 3m * 8 = 3 की पावर -3। अब एक आइडेंटिटी आपको और पता है कि a की पावर m / (a की पावर n), तो a की पावर m - n, यानी डिवाइड होता है तो पावर माइनस हो जाती है। तो आप देख सकते हैं ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, 3 की पावर 3n और 3 की पावर 3m। तो आप 3 की पावर 3n में से 3 की पावर 3m - कर देंगे, तो बन जाएगा 3 की पावर 3n - 3m। और 9 - 1 कितना होता है, 8, और नीचे भी क्या है, 8, इस 8 से 8 कट जाएगा = 3 की पावर 3m। ठीक है, तो यहां क्या बचा, यहां बचा, अब मैं इधर भी रब कर रहा हूं, बचा 3 की पावर 3n - 3m = 3 की पावर -3। अब जब दोनों तरफ देखो, ये भी 3 की पावर है और ये भी 3 की पावर है, जब बेस बराबर है और बीच में इक्वल का साइन है, तो यानी कि इनकी पावर भी इक्वल है, यानी कि क्या है, इनका पावर भी इक्वल है। तो जब बेस इक्वल होते हैं ना, तो हम पावर को कंपेयर कर सकते हैं, तो 3n - 3m = -3। ठीक है, 3n - 3m = -3। जब आप इस माइनस के साइन को हटाओगे ना, तो ये टर्म्स आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, जब आप ये माइनस का साइन हटाओगे तो ये टर्म्स आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। ये मैं क्या बोल रहा हूं, इसका मतलब ये है कि आप इस माइनस को यहां से यहां भेज दो, ठीक है, ये माइनस को यहां से यहां भेज दो। जब आप माइनस को यहां से यहां भेज दोगे तो आप देखोगे कि ये 3n जो है माइनस का हो जाएगा, और ये --3m जो है प्लस का हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट ये बोल सकता हूं कि अगर आप माइनस के साइन को यहां से हटाओगे तो ये बीच में से ये इंटरचेंज हो जाएंगे और बीच में माइनस का माइनस ही रहेगा, यानी ये बन जाएगा 3m - 3n = 3। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है, ये बहुत मतलब छोटी सी चीज है, पर इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं और गलत कर देते हैं क्वेश्चन। यह मैंने माइनस को हटाया है और यहां पे मैंने इंटरचेंज कर दिया, माइनस को हटाने से इंटरचेंज कैसे हो गया, जब आप माइनस यहां भेजोगे तो ये ब्रैकेट लग जाएगा और ये माइनस का साइन दोनों के साइन को चेंज कर देगा, तो 3n - का हो जाएगा और 3m जो है --+ का हो जाएगा। और अगर आपको ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा तो आप ऐसे समझो कि मैंने आपको लिखा हुआ है 3m - 3n, सॉरी 3n - 3m = -3। ठीक है, इस 3 को इधर ले आओ
और इन दोनों को उधर ले जाओ, ये इधर आके माइनस की जगह किसका हो जाएगा, प्लस का, और ये माइनस का उधर जाएगा किसका हो जाएगा, प्लस का, और ये प्लस का उधर जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का। तो आप देख सकते हैं तब भी वही आ रहा है, ठीक है। हमने बस क्या किया, दोनों को इक्वल के साइड के इधर उधर मूव करा दिया कि ये माइनस का इधर आके प्लस का हो गया, और ये दोनों, ये माइनस का उधर जाके प्लस का, और ये प्लस का उधर जाके माइनस का। तो आपको जैसा समझ में आ रहा है आप वैसे समझ सकते हैं, मैंने दोनों एक ही चीज करी है, ठीक है। मैं दोनों साथ में नहीं लिखूंगा क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे आप, फिर आप दोनों ही नोट कर दोगे, ठीक है। हमारा मेन क्वेश्चन जो है यहां पे चल रहा है। अब मैं दोनों में से तीन कॉमन ले सकता हूं क्योंकि दोनों में तीन आ रहा है, तो m माइनस n इज इक्वल टू 3। तो आप देख सकते हैं इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, 3 से 3 काट सकते हैं, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 बटे में 3 आप यहां ले जाकर भी काट सकते हैं। तो इज इक्वल टू कितना आ गया, 1। तो m माइनस n की वैल्यू आ गई 1, और हमें यही बात प्रूव करनी थी कि m माइनस n इज इक्वल टू 1। तो ये आपने प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, और इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 मैथ का खत्म होता है। आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ में आया होगा, जिसमें हमने मैथ का एनसीईआरटी प्लस आरडी शर्मा दोनों कवर किया है। आप इससे और ज्यादा इसमें प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी और ज्यादा अच्छे से इसमें सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और इसमें आपको क्या करना है, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है समझ में तो आप वो मेरे को व्हाट्सएप करेंगे, ठीक है। आपको नंबर मैंने बहुत बार दे रखा है अपना, तो उस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप अपने क्वेश्चन का डाउट मेरे से पूछ सकते हैं। तो अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर में, जो चैप्टर नंबर 2, ठीक है। अब हम वो स्टार्ट करेंगे, तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।